अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मेरा ब्लॉग है, मैं जी फैसलाबाद जाने का, तकरीबन 12 बज चुके हैं। तो रंधावा साहब को मैंने मैसेज किया है कि मैं फैसलाबाद आ रहा हूँ, तो आप कहते फ्री है। मैं जाने लगा हूँ फैसलाबाद, तो रंधावा साहब की भी कॉल आ गई, कह रहे हैं आ जाए। तो वो समझ रहे थे मैं फैसलाबाद बैठा हूँ, तो इस वजह से उन्होंने अभी लेट कर दिया। तो कोई नहीं यार, मेरा जो दिल कर रहा था वहाँ के गुजर के चिकड़ वाले छोले, तो वो करेगा। तो वो अब मेरा ख्याल है जब तक मैं पहुंचूंगा तो वो खत्म हो गए होंगे। तो देखेंगे, अगर तो हुए तो फिर आपको भी दिखाएंगे कैसे है। तो मैं खुद तो खाऊंगा ही खाऊंगा, आपको भी दिखाऊंगा। बाइक का पेट्रोल अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो अभी पेट्रोल डलवाते हैं इसका। तो पेट्रोल पम्प भी आ गया, करीब ही है, तो यहाँ से अभी पेट्रोल वगैरह फिल करवाते हैं। रंधावा साहब भी मिल गए हैं यहाँ पे, तो अभी इनकी बाइक का थोड़ा सा काम है, वो करवाना है। तो वो चौक ढूंढे यहाँ से काम करवाना है, फिर बाद में बाइक ये छोड़ के मेरे साथ ही होंगे। तो जो टाइम था चिकन छोले खाने का, बहुत गुजर गया है। तो रंधावा साहब बिरयानी देखते हैं, हाँ गलत फहमी हो गई थी, तो अभी बिरयानी देखते हैं, बिरयानी खाएंगे जो अभी मतलब खाई थी। तो अभी काम करवाने जा रहे हैं। रंधावा साहब की गाड़ी का भी काम हो रहा है और रंधावा साहब बैठे हैं यहाँ पे। तो रंधावा साहब की बाइक का काम हो गया है, तो अभी हमने ये बाइक छोड़ने जाना है। तो इसकी कजन की बाइक है, तो उसे दे के फिर इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे कहीं पे। अभी फिलहाल इसी तरह पहले इसका काम करवाया, तो जहाँ से हम इसका काम करवा रहे थे वहाँ पे हमें एक बंदा मिला है, तो जिसकी वो वर्कशॉप थी, तो वो बंदा था, तो वो मेरे पास आया, कह रहा था कि आप टूर करते हो। मैंने कहा टूर तो मैं करता हूँ, लेकिन कैमरा लगाया था उसकी वजह से पूछ रहा था। मैंने कहा नहीं, ये तो अभी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। वो कह रहा था कि मैंने 2007 से टूर स्टार्ट किया हुआ है, तो पूरा पाकिस्तान तकरीबन उस बंदे ने घूमा था। तो स्कर्दू नहीं मेरा ख्याल गया अभी तक वो, तो बाकी उसने पूरा घुमा था। तो मैंने बताया कि हमने इस साल ही पहला ट्रिप किया और स्कर्दू तक किया था, काफ़ी बातचीत हुई लंबी। अभी हम जा रहे हैं ये बाइक छोड़ने के लिए रंधावा साहब की। तो ये है जी इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। तो यहाँ पे काफ़ी मैचेस होते रहते हैं, प्राइवेट मैचेस हो गए हैं, जो डोमेस्टिक मैचेस हैं वो होते रहते हैं यहाँ पे। तो इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान में नहीं हो रहे, तो यहाँ पे कैसे होंगे? तो अल्लाह करे ये हालात ठीक हों और पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल मैचेस हों। यह है जी सिंधबाद। तो बचपन में हम यहाँ पर आया करते थे, तो अभी पता नहीं क्या सीन है यहाँ पर।
बाइक जान देनी थी जिस जगह, तो वो दे दी है। तो अभी रंधावा साहब मेरे साथ ही हैं। अभी हम जा रहे हैं जी डी ग्राउंड की तरफ, तो वहाँ पे जाके तो पहले तो कुछ खाई पियेंगे, फिर इंशाल्लाह देखेंगे अगर कहीं पे जाना हुआ तो वहाँ पे जाएंगे। अभी फिलहाल कुछ खाते हैं। तो अभी जी हम खाने आए यहाँ पे बिरयानी, तो बिरयानी हमारी आ गई है। ये रंधावा साहब की बिरयानी है, ये मेरी बिरयानी है, और ये रंधावा साहब बैठे हुए हैं। तो पीस कौन सा अच्छा है यहाँ पे? सीने के पीस, दोनों सीने के नहीं आ रहा। चलो ठीक है, दोनों ठीक है। अभी जी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो तकरीबन 6:30 हो चुके हैं, 7 बजने वाले। तो रंधावा साहब को मैंने उनके घर उतार दिया था, तो अभी मैं समुद्री की तरफ जा रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा रास्ता तय कर लिया तकरीबन, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सके इसलिए। तो रंधावा साहब को काम थे कुछ, तो वो काम किए हैं, और रंधावा साहब से बिरयानी खाई है हमने। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है वैसे। आते आते ये मुझे लग रहा है कि मेरी जैकेट जो है तो सारी गंदी हो गई है मिट्टी से, तो काफ़ी ज़्यादा दूर थी रस्ते में, जिसकी वजह से मेरी जो जैकेट है वो सारी गंदी हो गई। न्यू जैकेट है मेरी। तो अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक लेते हैं, अल्लाह।